بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي फरमाया के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ातिलुल्लज़ीना यलौनकुम मिनल कुफ्फार वलयजदू फीकुम ग़िल्ज़तन वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। फरमाया के ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, आतिव जंग करो उन लोगों से जो तुम्हारे नज़दीक हैं, या लाऊ ना कुन जो तुम्हारे नज़दीक हैं, कौन से मिनल कुफ्फार, कुफ्फार में से वो काफिर जो तुम्हारे नज़दीक हैं उनसे जंग करो। वल यजदू फीकुम ग़िल्ज़तन और तुम पाओ अपने अंदर, तुम वल यजदू और वो पाए तुम्हारे अंदर ग़िल्ज़तन सख्ती, और जो है वो उस यानी कोई नरमी तुम्हारे अंदर न पाए अपने वाले से। वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला तक्वा वालों के साथ है। ये जिहाद के हवाले से, कुफार और मुश्रिकीन के हवाले से तज़किरा हो रहा था और यहाँ पे मोमिन को खिताब किया जा रहा है कि वो काफिर जो कि मुसलमानों के दुश्मन है और मुसलमानों के खिलाफ परसरे पैकार हैं, तो ये बात वाज हो जाए कि वो काफिर जो कि मुस्लिम स्टेट के अंदर रह रहा हो और इस्लामी कवानीन का ख्याल रखता हो और जिजिया वगैरह जो भी उसके में होता है उसको अदा करता हो, तो उस सूरत में मुस्लिम स्टेट जो है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके जान माल की हिफाजत करें और किसी को हक नहीं है कि उसके हुकूक के अंदर जो है वो दखल अंदाजी करे। लेकिन एक काफिर वो है कि जो बाकायदा मुसलमानों के साथ हालत जंग में है, जैसे इसराइल है, इसकी मिसाल जो आज आप देख सकते हैं इसराइल, तो इनके साथ जंग करना वाजिब है। उस जमाने में मसलन मुशरिकीन मक्का थे या यहूदी थे, खैबर के यहूदी या दूसरे अफराद, वो कौन है? ऐसे अफराद वो कुफार के जो मुसलमानों के साथ हालत जंग में, मुसलसल जंग में, तो अब उनके खिलाफ जंग करना वाजिब है, जरूरी है, क्योंकि ये इनको कहा जाता है कि इस्लाम में काफिर हरबी, इन हर्ब में है, हमेशा जंग में है, जब भी उनको मौका मिले तो मुसलमानों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इनको काफिर हरबी कहा जाता है। आज की बेहतरीन मिसाल इसराइल है कि जो काफिर अरबी है और हर वक्त उसकी कोशिश है कि मुसलमानों को अजियत करना और मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करना और मुसलमानों से हालत जंग में है। तो फरमाया कि जो तुम्हारे नज़दीक है ना कुफार, उनके साथ जंग करो जो उस वक्त मुसलमानों के करीब थे। तो अब जैसे आज फलस्तीनी इस आयत पर अमल कर रहे हैं, हिजबुल्ला वाले इस आयत पर अमल कर रहे हैं कि वो उनके करीब, यही इसराइल के जो कुफार हैं उनके साथ वो जंग में है, हालत जंग में है और वो हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने शहीद देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, जुल्म बर्दाश्त करते हैं लेकिन डटे हुए हैं। ला यजिदु वल यजिदु फीकुम ग़िल्ज़ा, तुम्हारे अंदर वो सख्ती पाएं। हमास के जवान आज देख लें, हिज़्बुल्लाह के जवान देख लें, ये इतने मजबूत हैं। कुरान कहता है कि तुम अपने दरमियान, जब मोमिनीन के दरमियान हो, मोमिनीन की सिफत यह है कि आपस में जब होते हैं तो नर्म होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब दुश्मन के मुकाबले में आते हैं तो उनका सख्त होते हैं, वो जैसे हो हल्के यारा तो परिश्रम की तरह नर्म, रज में हक के बातिल हो तो, हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, तो जब वहाँ पे मुकाबले की बात आए तो फिर फौलाद बनो। बल यजदु फीकुम ग़िल्ज़ा, दुश्मन के मुकाबले में ज़रा सी भी ढील नहीं दिखाओ, दुश्मन के मुकाबले नरमी नहीं दिखाओ। बाज़ लोग कहते हैं जी इस्लाम जो है वो बड़ा जंग पसंद और मजहब है, वो नहीं, इस्लाम के अंदर एतदाल है, इस्लाम में नरमी भी है तो कुव्वत भी है,
भाईचारा भी है, लेकिन जहाँ पे आती है दुश्मनी की बात तो फिर वहाँ पे सख्ती भी है। जो अल्लाह के दुश्मन है, जो दीन खुदा के दुश्मन है, तो उनके साथ कुछ कोई नरमी वाली बात नहीं करता इस्लाम। इस्लाम कहता है कि जो अगर कोई फर्ज किया तुम दीन को कबूल नहीं करते तो ना करो, लेकिन शरारत ना करो। लेकिन जहां पे तुम शरारत करोगे तो फिर ऐसी तुम्हें मदद सिखाएंगे कि तुम याद रखोगे। और इस उसूल के ऊपर, अगर इस पुरानी उसूल पर मुसलमान चलते तो आज मुसलमान इस तरह से बेचारे ना होते, और इस तरह से फलस्तीनी या कश्मीरी हमारे जुल्म सितम के चक्की में ना फिस रहे होते। कुरान का उसूल ये है कि जहाँ पे जो आपके साथ नरमी से रहता है तो आप नरमी से रहो, लेकिन जहाँ पे वो आपके साथ जंग करते हैं तो फिर आप सख्ती से उनको निपटो, और उस वक्त तुम्हारे अंदर वो सख्ती को वो पाए, वलयजिदु फीकुम गिल्ज़ा, तुम्हारे अंदर वो सख्ती को महसूस करें, और तुम जान लो कि अल्लाह ताला तकवा वालों के साथ है। यानी तुम जो एतदाल है उस एतदाल की रविश पे बाकी रहो, और हद से नहीं बढ़ना, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमल करना है। फिर फरमाया कि वा इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यकूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमानन। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाज़ जो हैं, बाज़ कुछ लोग कहते हैं कि तुम में से किस के ईमान में इस सूरत ने इजाफा किया है। यानी मजाक उड़ाते हैं, यानी तमस्कुर उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी सूरत नाजिल हुई है जी। यानी ये मुनाफिकीन की सिफत है। मुनाफिकीन वो कहते हैं फमिन हम, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमानन, किस तुम में से किस के ईमान में इजाफा किया है इसने, यानी सूरत ने। फअम्मल्लज़ीना आमनू, तो कुरान फरमाता है कि जवाब देता है अल्लाह ताला कि जो लोग ईमान लाए हैं, फअम्मल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान रखते हैं और जो ईमान लाए हैं, फ़ज़ादतहुम ईमानन, यकीनन ये सूरत उनके ईमान में इजाफा करती है। वहुम यस्तबशिरून, और वो खुशहाल हैं। तो ये यानी जब आप जब भी कोई मोमिन जब कोई सूरत नाजिल होती थी तो मुसलमानों के ईमान में इजाफा होता था। अल्लाह के ये वादे, बहुत सारी चीज़ें जो कि वाकई होती थी या आइंदा वाकई होने वाली थी, कि अल्लाह ताला जो है उस सूरत में खबर दे देता था, मोमिनीन के मुसलमानों के ईमान में इजाफा हो जाता था। लेकिन मुनाफिकीन जो इस चीज़ को गलत मजमाने में लेते और एक तरह से मजाक उड़ाते थे, कुरान का मजाक, कि जब कोई सूरत नाजिल होती तो कहते जी बड़ी सूरत नाजिल हुई है, कि तो कोई फायदा हुआ है, किसी के किसी ईमान में इजाफा हुआ है तो हमें भी बताओ कि आपके ईमान में इजाफा हुआ है। ठीक है, जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, वो फकत जाहिर चीज़ों को देखता है, जवाहिर को नहीं देखता है। ईमान ऐसी चीज़ है कि जिसको इनके हमारे पास तो मैार पैमाना नहीं है कि आप उसको दर कर सकते। ईमान का इजहार इंसान के अमल से होता है, और ईमान एक अंदरूनी कैफियत का नाम है, एक अंदरूनी जो है वो आपके इरादे और कुव्वते इरादी का नाम है, कि जो आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स, आपके अकायद, आपके अफकार, इससे ताल्लुक है, इससे ताल्लुक है आपके ईमान का, और इसका इजहार आपके अमल से होता है, कि आप उसी अपने फिक्र, अपने अकीदे और आपकी सोच जो है, अपनी थॉट जो है, उसी के मुताबिक अमल अंजाम देते हैं, जिससे पता चलता है कि आप कितने पाईमान हैं। तो कोई भी सूरत जो है वो जब मोमिन पढ़ता है तो उसके ईमान में इजाफा होना चाहिए। कुरान ये बयान फरमा रहा है कि ये मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह जवाब दे रहा है कि नहीं, जब भी कुछ सूरत आती है तो जो बाईमान हैं, जो ईमान रखते हैं कुरान पर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके यकीन ईमान में इजाफा होता है, और वो इससे खुशहाल भी होते हैं। उनके अंदर एक कैफियत, खुशी की कैफियत आती है कि वो कुरान करीम पर ईमान ईमान रखते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा शुक्र है तूने कि हमें बाईमान पैदा किया है, और हमें तौफीक दी है कि हम इस पर ईमान ला सकें। फिर फरमाया कि वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, लेकिन मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके दिलों में मरज है। आप जबकि, और अलबत्ता जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादतहुम रिज़्क़न, जो
तो यह सूरत उनकी रिस और नजासत में इजाफा करेगी, रिस अनिला रिस हैं, उनकी पलीदी में मजीद पलीदी का इजाफा होगा। वह मातू और वो मरेंगे, वह हम काफिरों इस हालत में कि वो कुफर पर डटे हुए रहेंगे, यानी कुफर की हालत में ही दुनिया से जाएंगे। यानी देखें यहाँ पे निजासत होती है, गंदगी होती है। मसलन बारिश की मिसाल देकर आप लें, बारिश जब बरसती है तो बारिश हर जगह जो है बरसती, बारिश के जो है वो अंदर कोई फर्क नहीं है, वो किसी जरखेज जमीन पे भी बरसेगी, पत्ते वाली जमीन पे भी बरस रही है, और किसी गंदगी वाली जगह और पे भी बरस रही है कि जहाँ पे पहले से गंदगी और निजासत मौजूद है। अब जहाँ पे गंदगी और निजासत मौजूद है तो जब बारिश बरसेगी तो उसकी गंदगी और निजासत में मजीद इजाफा ही होगा, तो कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे गंदगी का ढेर मौजूद है, गंदगी मौजूद है, निजासत मौजूद है, बारिश से और उसके अंदर कीचड़ बनेगा और गंदगी पैदा होगी और तापमान पैदा होगा। तो ये कुरान करीम जो फरमाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत है और अल्लाह का जो पैगाम है वो आता है, तो अब जहाँ पे पाकीज़ा दिल हैं और जो जरखेज ज़मीन है, जो दिल आमादा हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी तो ईमान में इजाफा होगा और उनके अंदर मानवीयत पैदा होगी। लेकिन जहाँ पहले से निजासत मौजूद है तो ये पैगाम जो है आएगा तो इनके उनके ईमान में इजाफा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उनकी निजासत में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि इनके नेगेटिव असर उनके ऊपर होता है। जैसे पुराने फ़ियान फरमाया युज़िल्लु बी कसीरन व यहदी बी कसीरन, अल्लाह इसके लिए बहुत सारों को हिदायत देता है, बहुत सारों को गुमराह करता है, लेकिन वमा युज़िल्लु बी इल्लल फासिकीन, लेकिन अल्लाह गुमराह नहीं करता मगर सिवाय फासिकीन को जो नाफरमान। तो ये फासिक वो हैं कि जिनके दिलों में मर्द मौजूद है। कुरान ने बयान किया कि वो लोग सूरह बकरा की इब्तदाईयात में कि इनकी कुलूब मरज, उनके दिलों में मर्ज मौजूद है, फजाद अमुल्ला मरजा, अल्लाह उनके मर्ज में मजीद इजाफा कर देता है, यानी अल्लाह उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी फरमाया फजा कुरान की जब ये सूरतें नाजिल होती हैं तो वो लोग जो ईमान है तो उनके ईमान में इजाफा होता है, लेकिन जिनके दिलों में मर्ज मौजूद है, निजासत मौजूद है, दिल पाक नहीं है, पाकिजा नहीं है, गंदगी मौजूद है, उनके अफकार ठीक नहीं, उनकी सोच ठीक नहीं, उनके इतकादार ठीक नहीं, उनका करेक्टर ठीक नहीं, ये सारी चीज़ें पेश करती हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ उन पर असर ना करे, और अच्छी चीज़ अगर कोई बयान की जाए तो उसके ऊपर ऑपोजिट उल्टा असर होता है, नेगेटिव असर होता है उसके ऊपर, और वो उसकी निजासत में मजीद इजाफा होता है। फजादत हम रिज थन, उसके रिज में इजाफा हो जाता है, मजीद रिज के साथ एक और रिज का इजाफा हो जाता है, और वो फिर क्योंकि ऐसे लोग हैं कि जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी हैं और फिर ये इसी हालत में रहेंगे, वो हालत कुफर में ही दुनिया से जाएंगे। मातू वह हम काफिरों इस हालत में, कि दरअल वो काफिर हैं, कुफर की हालत में जाएंगे। देखिए ईमान बिल खैर यानी जो है वो खात्मा बिल खैर, ये बड़ा अहम है, और हमें दुआ हमेशा कहा गया है कि आप दुआ करें मोमिनी को कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर करें, कि हम ईमान की हालत में दुनिया से जाएँ, क्योंकि जब इंसान की मौत आती है तो आखिरी मरहले में शैतानी कुव्वतें और इबलीस जो इंसान पूरी कोशिश करता है कि इंसान को ईमान से फेर दे और उसको हालत कुफर में दुनिया से जाए, और तरह तरह के उसके अंदर जो है उसके वसवसे डालता है, उसके सामने ऐसी चीज़ों को लेके आएगा जो उसको पसंद है, कहेगा कि मैं इसको मारने लगाऊँ, उसको लेने लगाऊँ, उसको ख़राब करने लगाऊँ, नहीं तो अगर ये मगर ये मुझे सजदा कर लो, अल्लाह ताला किसे इनका का इनकार कर दो, मुझे सजदा कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वसवसे डालता है। तो ये अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें साबित कदम रखना और हमें हालत ईमान में दुनिया से लेके जाना, क्योंकि हालत ईमान में दुनिया से जाना इंसान की आखिरत के खैरी के लिए बहुत अहम है। तो अगर आखिरी वक्त में इंसान अगर ईमान उसको छोड़ देता है और कुफर की हालत में चला जाता है तो फिर उसके लिए बख्शिश बहुत नामुमकिन हो जाती है, बख्शिश मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हालत ईमान में दुनिया से जाता है, अगर से उसके कुछ गुनाह भी हों लेकिन बख्शिश मुमकिन है, उसका अंजाम जो है वो अच्छा है, यानी मोमिनीन के लिए बहिश्त है जो हालत ईमान में दुनिया से जाते हैं उनके लिए बहिश्त है, लेकिन जो हालत कुफर में दुनिया से जाते हैं उनके लिए जहन्नम है। वा मातू वहुम काफिरून, वो मरते हैं इस हालत में कि कुफर की हालत में, और ये इंतहाई उनके लिए फरमाया कि ये जो अपने हालत पे उनको रोना चाहिए, खुश ना हो, ठीक है। मोमिनीन तो वो है कि जिनके ईमान में इजाफा होता है वह हम यस्तबशिरून, अब इसके मुकाबले में काफिर है जिनके ईमान में इजाफा नहीं बल्कि बजाय
उनके रिस्क में इजाफा होता है और वो हालत कुफ्र में बदलते हैं, और यस्तग़फिरून के बजाय इनको चाहिए कि वो अपने हालत पे गिरिया करें, रोएं, और वो समझ रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं। दरह की ये उनकी बेचारगी है कि वो बेचारगी की हालत में दुनिया से जाएंगे और आखिरत में उनके लिए बेचारे हैं ये लोग और उनके सरंजाम बहुत बुरा है। फिर फरमाया कि अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ल आमिन बर्रतन व मर्रतन, क्या ये लोग नहीं देखते कि उन्हें हर साल एक या दो मरतबा आजमाइश में डाला जाता है। फी कुल्ल आमिन, हर साल में मर्रतन, एक मरतबा, मर्रतन या दो मरतबा। तो मला यतुबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते। वला हुम यज़्ज़क्करून, और ना ही वो इबरत हासिल करते हैं। यानी ये मुनाफिक लोग जो हैं, जिनके सामने अतवन साल में उनके कई मरतबा एक साल के अंदर मसलन चंद वाक़यात सामने पेश आते रहते हैं कि जिनसे उनके अंदरूनी हालत फाश होती है, उनका ज़मीर, उनका पर्दा चाक होता है, मालूम हो जाता है कि इनका ईमान पुख्ता नहीं है। यानी युफ्तनून का मतलब ये है कि उनको आजमाया जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि ये मोमिन नहीं है और हालत पुख्तगी इनके अंदर मौजूद नहीं है, ईमान की पुख्तगी नहीं है, वरना ये इस तरह ना करते। यानी कभी अपने मफादात, अपनी ख्वाहिशात, जब उनकी ख्वाहिशात और मफादात के खिलाफ कोई हुक्म आ जाता है, ठीक है, कभी जंग पेश आ जाती है, कभी कोई और आ जाता है कि माले हमारे खुदा में मसलन इन्फाक करो या कुछ, तो फिर उस वक्त पता चल जाता है, कली खुल जाती है कि ये कितना ईमान रखते हैं। तो अगर तो फर्ज किया है कि इंसान जो है वो अगर अपने मर्ज का इंसान को पता चल जाए और उसके इलाज की फिक्र में हो तो वो इंसान कामयाब है, लेकिन एक इंसान को अपने मर्ज का पता चलने के बावजूद भी वो उसका इलाज की फिक्र ना करे तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, हलाकत की। तो ये मुनाफिक भी ऐसे, जब उनको उनके मर्ज का पता चल गया अल्लाह ताला, तो यही से उनके मर्ज को आश्कार कर देता है कि तो देखो तुम्हारे अंदर मर्ज मौजूद है, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, और अगर फिर भी वो अपने उस मर्ज के इलाज की फिक्र में नहीं रहते और उसकी हालत में खुश हैं तो फिर उसका नतीजा स्वयं हलाकत की कुछ नहीं, और वो इबरत हासिल नहीं करते। सुम्मा ला यतूबून, पता भी चल जाता है कि हम जो है वो दुरुस्त नहीं है, सही रास्ते भी नहीं है, लेकिन फिर तौबा भी नहीं करते और ना ही वो नसीहत हासिल करते हैं, तो इसका अंजाम क्या है, स्वयं हलाकत के। यानी अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी के कई मराहल में इंसान को तवज्जो दिला देता है, अगर इंसान का ईमान पुख्ता नहीं है, ये एहसास दिलाता है कि हमारा मुख्तलिफ आजमाइशों में डालकर मुख्तलिफ जो है वो मराहल में से गुजारते हुए इंसान को उसकी हकीकत आश्कार कर दी जाती है कि हमारे ईमान की हकीकत कितनी है और हम कितने पानी में हैं, लेकिन इंसान संभलता नहीं है। अगर संभल जाए उन्हीं चीज़ों को देख के और इसको दर्क कर ले कि नहीं वाकई मेरा ईमान अभी उसके अंदर नक्स मौजूद है और इसकी इस्लाह की ज़रूरत है, तो फिर वो अपनी हिदायत के रास्ते पे गामजन हो सकता है। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता, अगर वो उसकी इबरत हासिल नहीं करता, तो फिर इसका सर अंजाम बहुत बुरा होता है। फिर फरमाया कि वाइज़ामा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब भी कोई सूरत नाजिल होती है, नजरा बाजू मिला बाज हैं, तो उनमें से बाज बाज की तरफ देखने लगते हैं, दूसरी तरफ देखते रहते देखने लगते हैं, और ये क्या कहते हैं, हलियाकुम मिन अहदिन तुमंतरफू, फिर जो है वो तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, हलियाकुम मिन अहदिन, यानी जब उसकी सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, फिर निकल कर हजरा को मेरा हन, क्या तुम्हें कुछ देख तो नहीं रहा, सो मंत्र को फिर वहीं से चुपके से निकल जाते हैं, भाग निकलते हैं। तरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को फेर रखा है, फेर दिया है, बेअन्नहुम कौमन ला यफ्कहून, क्योंकि वो ऐसी कौम है जो समझते नहीं है। ये मुनाफिकीन की एक और अलामत कि कुरान की आयात की सूरतें जब नाजिल होती हैं तो ये फिर जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए ऐसे ऐसे तक जाते हैं, देखते हैं कि हमें कोई अगर कोई देख नहीं रहा तो चुपके से निकल जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई हमारे ऊपर ही कोई हुक्म आ जाए या हमें कोई हुक्म दे दिया जाए
इससे पहले कि कोई हुक्म हमारे बारे में आए हम पहले ही खिसक जाए। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये काबिल ही नहीं कुरान की आयात को समझें या कुरान की आयात पर अमल इनके बारे में आए या इनके दिलों पर असर करे, क्योंकि ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया है। ठीक है, अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया है इनके अमाल की वजह से, वरना अल्लाह ताला किसी के दिल को नहीं फेरता अमाल की वजह से। अब उनके दिलों पर किसी का असर नहीं होता, क्योंकि बेनम कौम ला यकून, क्योंकि ऐसी कौम है कि जो समझते नहीं है, ना समझ है। यानी ये लोग मुनाफिक जो मजलिस जब रसूल खुदा की मजलिस में हाजिर होते हैं और सूरत नाजिल होती है, रसूल खुदा पढ़कर सुनाते हैं, तो जो मोमिनीन उनके तो दिलों में खुजू खुशू पैदा होता था, वो खुजू खुशू होता था और वो अपने दिलों में ईमान की हरारत को महसूस करते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया है। लेकिन मुनाफिकों के चेहरों पर इस्तराब शकूक व शुबहात के असर नुमाया होते थे। एक ये बजाय इसके कि उनके दिलों के ऊपर कोई असर हो और इनके मानवियत में इजाफा हो, एक दूसरे की तरफ देखते थे, एक तरफ देख के एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, चलो निकले निकले, ठीक है यहाँ से फरार करें, तो एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है, ठीक है, तो ताकि जो हमारी किसी हमारी कैफियत का किसी को पता भी ना चले और हम चुपके से मजलिस से खिसक जाए, फिर मनसरफ हो फिर वो खिसक जाते हैं। ये मुनाफिकीन की अलामत है कि जब जब महफिल हो, ईमान की महफिल हो या कोई काम की बात की जा रही हो, जहाँ पे उनका दिल नहीं लगता और वो कोशिश करते हैं कि ऐसी महफिल जो ऐसा जिसमें बाईमान लोग हों और बाईमान ईमान की बात की जा रही हो या अमल की बात की जा रही हो, तो वहां से खिसक जाते हैं। हमारी महफिल और हमारी मजालिस की बार दफा ऐसी रुख इख्तियार कर लेती हैं कि जहाँ पे जब कोई जाकर आता है और जहाँ पे उनकी काम की बात होती है या फर्ज किया उनके दिल को खुश करने वाली बात होती है और जहाँ पे कसीदा और गाने की तर्ज के कसीदे पढ़े जा रहे होते हैं, तो बड़े पढ़ चढ़ कर उसको नारे भी लगा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। जब कोई मौलाना आ जाता है तो आलम दीन आता है कि कोई उनको हदीस सुना जाए, कोई आयत सुना दे, तो आधे से ज्यादा मजमा उठ के चला जाता है। तो ये क्या है, मुनाफिकाना रवैया है कि कुरान फकत मुनाफिक ये नहीं कि रसूल खुदा के जमाने में थे, आज या आज के दौर में मुनाफिक मौजूद नहीं है क्या, मोमिनीन के दरमियान मुनाफिक ये नहीं। अगर मुनाफिकाना रवैया असल चीज है, मुनाफिकाना रवैया को देखें, कुरान बयान कर रहा है ये मुनाफिकाना रवैया है कि जब जो है वो कुछ सूरत नाजिल होती है तो वो एक दूसरे को देखते हैं, देखे खिसक जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारी महफिल मजालिस में क्या होता है कि अगर कोई आ जाता है मौलाना बेचारा आके कुरान की बात करता है या कोई हदीस की बात करता है या कोई उनको पैगाम देना चाहता है, तो आधे से ज्यादा मजमा जो है वो उठ के कहते चलो बाहर चा पानी कर आते हैं, सिगरेट सिगरेट पी आते हैं, ठीक है मौलवी आ गया, अब इसने नमाज की बात ही बतानी है। तो फिर जो है वो जब कोई जाकिर आता है फिर आके जो है वो चंद नारे लगाने के लिए आ जाते हैं। यानी ये हमारी महफिल और ये मजालिस की कैफियत है। तो ये उस दौर में रसूल खुदा के जमाने में भी यही थे और इसी चीज का हम तकरार कर रहे हैं, मुनाफिकीन की रविश यही है। तो मुनाफा हमारे हमें अपने गरीबान में झांकना चाहिए, हमारे अंदर तो मुनाफिकीन वाली खसूसियात नहीं पाई जा रही, और इंशाल्लाह हम अपने इस अमल की इसलाह करें। ये कुरान की आयात, कुरान की सूरतें, कुरान के पैगाम इसी लिए हैं कि हम अपनी इसलाह कर सकें और अपने आप के अपने ईमान में इजाफा कर सकें। फिर फरमाया लकद जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम, इस सूरत के आखिर में एक खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि लकद जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, ए लोगों तुम तवज्जो तो करो कि बेतहकीक तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो खुद तुम में से है, तुम्हारी कौम से है, तुम्हारे दरमियान से आया है, अज़ीज़ुन अलैहि उस पर बड़ा ग्रां गुजरता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको बड़ी तकलीफ पहुंचती है, मा अनितुम उस बात पर कि जो तुम्हें अगर तकलीफ में देखे, ठीक है, यानी तुम्हें जब वो तकलीफ में देखता है तो उस पर बड़ा शाक गुजरता है, अजीज अल्लाह उस पर बड़ा शाक गुजरता है, उसको बड़ा मुश्किल होती है, उसको बड़ी परेशानी होती है जब तुम्हें मुश्किल में देखता है, तुम्हें तकलीफ में देखता है, हरीस अलैकुम वो तुम्हारे ऊपर हरीस हैं, यानी तुम्हारी भलाई के बारे में तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हरीस हैं,
अलैकुम तुम्हारी भलाई के लिए नहायत ही ज्यादा ख्वाहा हैं। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, और मोमिनीन के लिए नहायत ही शफीक और बहुत ही मेहरबान है। ये रसूल खुदा की खसूसियात को बयान किया जा रहा है कि रसूल खुदा कितने अजमत के हामिल हैं और कितनी अजीम शख्सियत है। ऐसी शख्सियत को तुम्हारे दरमियान भेजा गया ताकि तुम्हारी हिदायत करें, जो रऊफ रहीम है, जो मेहरबान है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसे नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम उसे हिदायत हासिल नहीं करते, बल्कि तुम जो है वो अपने अंदर मौजूद बीमारियों को दूर नहीं करते। वो हकीम है, उनके से फायदा हासिल करो, अपनी बीमारियों का इलाज कराओ। ये रसूल खुदा के बारे में फरमाया क्या कि तबीब उन दवार उन के तबीब थे, ऐसे तबीब थे जो कि लोगों के चलते हुए चलते चलते फिरते लोगों का इलाज करते थे। पैगंबर अकरम जो तबीब थे, जो हमारे दिलों में मौजूद बीमारियों का इलाज करने वाले थे, जिस तरह इमाम होता है, इमाम भी इसी तरह से। तो फरमाया कि कितना ही अल्लाह की रहमत है तुम्हारे ऊपर कि ऐसा पैगंबर तुम्हारे लिए भेजा है कि जो जिसके लिए जब तुम्हें कोई तकलीफ में देखता है, तुम्हें मुश्किल में देखता है, तो उसके लिए बड़ा शाक होता है, बड़े उसके लिए तकलीफ पहुंचती है उसको, और वो तुम्हारी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। हरीस अलैकुम, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा हरीस है, इन चाहता है कि तुम इस्लाह हो जाए, तुम्हारी तुम्हारी भलाई के लिए कहाँ है, चाहता है तुम्हें दुनिया और आखिरत की सआदत मिल जाए, तुम कामयाब हो जाओ। हर नबी जो है वो इसी तरह होता है, लेकिन हमारे नबी सबसे बढ़कर, तमाम अम्बिया से बढ़कर इस तरह से हैं, और मोमिनीन के लिए बहुत मेहरबान निहायत रऊफ। ये पैगंबर अकरम की इतनी सिफात को इस आयत में बयान किया गया कि इंसानों, बावजूद इसके कि ऐसा अजीम पैगंबर तुम्हारे दरमियान में आया, लेकिन फिर भी तुम जो है वो उसकी बातों पर अमल पैरा नहीं होते, उनके मुबारक वजूद से फायदा हासिल नहीं करते, बल्कि बराक्स जो है वो दुश्मनी पर उतर आते हो, उनसे दुश्मनी करते हो, और वो तुम्हारी भलाई के लिए खां हैं, निहायत हरीस हैं। हरीस और आरजुमंद पैंबर, यानी हमेशा हरीस और आरजुमंद रहते थे कि तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह की खुशनुदी तुम्हें हासिल रहे, यानी तुम्हें जन्नत में जगह बने, दुनिया में भी सर बुलंद रहो। और लेकिन बावजूद इसके जो जाहिल लोग हैं उनसे दूर भागते हैं, रसूल उनको नजदीक लाना चाहते हैं वो दूर भागते हैं। वो पैम्बर हैं जो कि मोमिनीन के लिए नहायत शफीक हैं, बहुत ही मेहरबान हैं, और जो है वो पैम्बर ये चाहते थे कि मोमिनीन जो है वो हिदायत हासिल करें। तो ये पैम्बर की खसूसियात को इस सूरत के आखिर में बयान किया गया कि इतना अजीम नबी तुम्हारे दरमियान में आया, लेकिन तुमने फायदा हासिल नहीं किया, और फिर भी नबी ईमानी की हालत में दुनिया से जाओ, तो फिर अल्लाह ताला और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? इससे बढ़कर पैगंबर को मेरे लिए कहाँ भेजेगा? इतना अजीम पैगंबर, रहमतुन लिल आलमीन पैगंबर भेजा, लेकिन फिर भी तुम हिदायत हासिल ना करो, फिर भी तुम अल्लाह का पैगाम ना लो, तो फिर तुम्हारा इलाज कैसे किया जाए? फिर फरमाया कि आखिरी आयत में, तवल्लो फकुल हस्बी अल्लाह, बस अगर ये मुंह फेर लें, रुगर्दानी कर लें, तो इनसे कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है माबूद सिवाय उसके, अलैहि तवक्कल, तो मैंने उसी पर भरोसा किया, उसी पर तवक्कुल किया, वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, और वही अजीम अर्श का परवरदिगार है। तो फरमाया कि हमने तो अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी, ऐसा अजीम, ऐसा करीम, ऐसा रहीम पैगंबर तुम्हारे दरमियान भेज दिया कि तुम उसके रहमत से फायदा हासिल करते, उसके पैगाम से फायदा हासिल करते, अपनी दुनिया और आखरत को संवार लेते, लेकिन अगर नहीं संवारना चाहते तो इनसे कह दो, अगर ये फिर भी मुंह फेरते हुए रू गर्दानी करते हैं, तो इन्हें कह दो कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, तुम ना करो मेरे ऊपर ईमान, ना लाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर ईमान नहीं भी लाते तो अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है, तुम्हारे ईमान की उसको जरूरत नहीं है, तुम मोहताज है। अय्युन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, लेको तुम मोहताज हो अल्लाह के, वहु अल गनी वल हमीद, वो बेनियाज है, लेकिन तुम्हारे ना ईमान लाने का उसको फायदा है, ना ना लाने का फायदा है, तुम ईमान लाओ या ना लाओ,
अल्लाह के यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। हाँ तुम्हारे लिए जरूर फर्क पड़ेगा, अगर तुम बड़ा ईमान हो जाओगे तुम दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल करोगे, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे दुनिया और आखिरत में बदबख्त हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे और हमेशा की जिंदगी जो है तुम्हारी बदबख्ती में गुजर जाएगी। तो उस वक्त फरमाया कि बस क्या, तो अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैंने उसी पर तवक्कुल किया है और वो रब अर्शल अजीम, अजीम अर्श, अर्श अजीम का परवरदिगार है, खुदा ताला के अर्श में कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारे ईमान ना लाने से। तो ये आखिरी सूरह पैगाम था, आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने अपने अजी हबीब रहमतुल आलमीन का भी तذکرہ कर दिया और सूरह तौबा का, वो सूरह तौबा जिसका आगाज बिस्मिल्लाह के बगैर हो रहा है उसका अंजाम जो है नबी की रहमत से हो रहा है। यानी क्या, यानी पैगाम दिया कि वो लोग जो इस नबी रहमत की, जो कि इतने अजीम नबी हैं, इनकी नबुवत पर ईमान नहीं लाते और इनसे मुंह मोड़े हुए हैं और फिर भी जो कुफर की जिंदगी गुजार रहे हैं या मुनाफ़िकत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब वो इस काबिल नहीं कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रहमानियत उनके शामिल हाल हो। लिहाजा वो जो जो नबी को नहीं मानते, मैं उनके लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी नहीं पढ़ता। यानी सूरह तौबा में ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह जो ऐसे लोग जो रसूल से मुंह मोड़े हुए हैं, इतने अजीम नबी कि इनसे बढ़कर कोई नबी नहीं आया, कि जो रऊफ उन रहीम है, अजीज उन अलैहि मानितुम और हरीस उन अलैकुम है, वो हरीस है तुम्हारे ऊपर, दिन रात उनकी कोशिश है तुम ईमान ले आओ। ऐसे रहीम, ऐसे करीम, ऐसे रहमतुल आलमीन नबी को जब छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह न रहमान है तुम्हारे बारे में न रहीम है तुम्हारे बारे में, उस वक्त अल्लाह की तरफ से बराअत है, बराअत मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ, अल्लाह और रसूल तुमसे बेजार हैं, तुम अपने हाल पे, तुम्हें छोड़ दिया है, अब जहां मर्जी जाओ जाओ, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी हिदायत नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं, अल्लाह ये जो इस सूरह बरात में, सूरह तौबा में जिन बीमारियों का तذکرہ किया गया है, कुफ्र की बीमारी, मुनाफ़िकत की बीमारियां और मुनाफ़िकत की मुनाफिकीन की जो सिफात को बयान किया गया है, अल्लाह ताला हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हालत ईमान में दुनिया से जाएं, रसूल खुदा के कामिलन पैरवी करते हुए जाएं, इस रहमतुल आलमीन पैगंबर के हकीकी उम्मती होने का सबूत दें और उनकी रहमत से भरपूर फायदा हासिल करें और उनके जानशीनों की इत्तबा करते हुए इस दुनिया से जाएं, ताकि हमारा खात्मा बिल ईमान हो और आखिरत में उनकी शफात से बहरामंद हो सकें। अल्लाह ताला हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये अगर कुछ सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही तय्यिबीन।